पिताजी के साथ एक गांव में रहते थे। उसके पिता हर रोज पहाड़ के ऊपर जाता था उधर ध्यान करने, जॉब करने, मेडिटेशन करने। तो एक दिन उसके बच्चे ने पूछा, पापा पापा आप कहाँ जाते हो, हर रोज सुबह उठ के कहाँ जाते हो, हमें भी आपके साथ जाना है, हमें भी आपके साथ लेके चलो। तो उसके पापा ने बोला, चल बेटे आज किसको लेके जाता हूँ। तो उसके पापा उनको लेके गए पहाड़ के ऊपर, बहुत ही सुंदर जगह था। उसके बच्चे बहुत खुश हो गए, बहुत झूमने लगे और उसके पापा उसको उधर रख के फिर मेडिटेशन में बैठ गए। और उसके बच्चे पहाड़ के किनारों पे जाके बोलने लगा, वाह। और पहाड़ से अचानक एक आवाज आया, वाह। वो बच्चा जो था वो चौंक गया, ये क्या हो रहा है, पहाड़ के पीछे से कौन है जो मुझे नकल कर रहा है। तो बच्चे को थोड़ा सा हैरानी हुआ और वो पहाड़ से पूछा, तू कौन है। पहाड़ से आवाज आया, तू कौन है, तू कौन है, तू कौन है। बच्चे को और भी गुस्सा चढ़ गया, उन्होंने बोला अरे ये कौन है जो मुझे डुप्लीकेट कर रहा है। वो फिर से बोला, मैं तुमको मारूंगा। पहाड़ से आवाज आया, मैं तुमको मारूंगा, मैं तुमको मारूंगा, मैं तुमको मारूंगा। वो और भी गुस्सा हो गया। बच्चे ने बोला, तुम मेरे दुश्मन हो। पहाड़ से आवाज आया, तुम मेरे दुश्मन हो, तुम मेरे दुश्मन हो, तुम मेरे दुश्मन हो। जब ये कारवा चल रहा था, बच्चे के पिताजी पीछे बैठ के देख रहे थे। कुछ देर बाद उसके बच्चे के जाके बोला, बेटा क्या हुआ है, तुम इतना गुस्सा क्यों हो गए हो। उसके बेटे ने बोला, पापा पापा देखो पहाड़ के पीछे कोई है जो मेरा नकल कर रहा है, वो बोल रहा है मैं उसका दुश्मन हूं, वो बोल रहा है मुझे मारेगा। तो उसके पिताजी ने उनको बोला, ठीक है बच्चा कोई बात नहीं है, आप एक काम करो, आप अभी पहाड़ को बोलो आई लव यू। तो उस बच्चे ने बोला पहाड़ को, आई लव यू। पहाड़ से रिटर्न क्या आया, पहाड़ से रिटर्न क्या आया, पहाड़ से रिटर्न क्या आया। पहाड़ को बच्चे ने बोला, आप मेरे दोस्त हो, आप मेरे दोस्त हो। मैसेज समझ में आ रहा है दोस्तों?